हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वन मोर वीडियो फॉर एजुकेशन चैनल। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश मास्टर एसएससी बोर्ड के लिए इंग्लिश के पेपर पैटर्न। आपको एसएससी बोर्ड है इंग्लिश मीडियम के लिए है, इंग्लिश का पेपर पैटर्न आपको इंग्लिश एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब बताने वाला हूँ मैं आज आपको। तो आप सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप मेरे चैनल को आज तक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताएं, और आपको जो भी वीडियो चाहिए मैं कमेंट में बताइए, आपको वीडियो मिल जाएगा जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की हम बात करने वाले हैं। तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज जिनका फर्स्ट लैंग्वेज है वो उनके लिए है ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिला है। द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज एज स्टैंडर्ड 9th and 10th has been prepared bearing in mind the national curriculum framework and the state curriculum framework. तो ये किस लिए? SSC बोर्ड के लिए है। जो कहाँ से लिया गया है? CBSE ICSE से लिया है। चलिए 10th के बारे में बात करते हैं। कोर्स बुक इन इंग्लिश, इंग्लिश में इंग्लिश की कोर्स यानी कि इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है? अबाउट 64 पेजेस ऑफ लिटरेसी एंड नॉट लिटरेसी इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट एक्सक्लूडिंग नोट्स इलस्ट्रेशन टास्क एक्सेट्रा। यानी कि प्रोस में क्या क्या 64 पेजेस, यानी कि 64 पेज यानी कि आपके जितने पोएम्स हैं सब मिला के 64 पेजेस के, उनमें से कोई लिटरेरी या नॉट लिटरेरी पोएम आएगा आपको, या तो नोट्स आएंगे या तो इलस्ट्रेशन या टास्क आएगा, या तो प्रोस में आएगा, या तो पोइट्री है, पोइट्री में जैसे 250 लाइन्स का जो पोएम है, सभी 250 लाइन का कोई पोएम होगा, मतलब उसमें से कोई पैराग्राफ देंगे पोएम का, या तो वो स्टॉर्ट से होगा या तो एक्ट प्ले होगा, इन दोनों में से होगा। और ग्रामर में आपको ग्रेविजन यानी कि जब आपने ए स्टैंड तक जो ग्रामर पढ़ा है उसके बारे में आएगा। डिफ काइंड ऑफ सेंटेंस आएंगे, जैसे काइंड ऑफ सेंटेंस में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और आपको ये भी पता है कि क्लॉज भी आने वाले, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, द टेंसेस, कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में जैसे प्रेजेंट परफेक्ट आने वाला है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर विद साल एंड गोइंग टू आने वाला है, कॉन्टेंस विद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आएगा। उसके बाद आर्टिकल, आपको तो आर्टिकल से बेसिक से ही है, यानी कि जो एज स्टैंड तक आएंगे वो भी आ रहेंगे इसमें। यहाँ पे आपको लाइन से बताया हुआ है, प्रीपोजिशन, डिफरेंट यूजेज, प्रीपोजिशन को हमें सेंटेंस में यूज़ करना आ सकता है, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब इन में आएगा, वर्ड फॉर्मेशन करना है हम लोग को, नाउन पे कर सकते हैं, एडजेक्टिव कर सकते हैं, वर्ब कर सकते हैं, एडवर्ब कर सकते हैं, इनके बारे में बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, ये सब बताने वाला हूं मैं अगले वीडियो में। या वॉइस, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, उसमें स्टेटमेंट या क्वेश्चन, नेगेटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आने वाले हैं, या क्वेश्चन फॉर्मेशन आएगा आपको, रिपोर्टेड स्पीच आएगा, रिपोर्टेड स्पीच जैसे कि स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन, कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन, पंचुएशन जैसे कि यूसेज, पंचुएज को कहाँ पे यूज़ करना है ये सब बताना है, जैसे कोई सेंटेंस दिया विदाउट पंचुएट का तो उसमें आपको कॉमा जहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है वहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको। या नॉन फाइनाइट, जैसे कि नॉन फाइनाइट जैसे कि इन्फिनिटी यानी कि टू वर्क, टू प्ले, गेरेंट्स, पार्टिसिपल्स आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कि कैन, मे, माइट लगाना है हमें सेंटेंस में, इसे मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। आपको अगर आपको ग्रामर में कुछ डाउट है तो मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, भेजिए आपको कमेंट के, मैं आप वीडियो बनाऊँगा। कंडीशन, अनरियल कंडीशन है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पॉसिबल इन तो कंडीशन है तो फ्यूचर कंडीशंस आएंगे आपको। अब वेटेज क्या है? रीडिंग स्किल को आपको 40% वेटेज, यानी कि आपको मेनली आपको प्रैक्टिस प्रेजेंट करना है, इससे आपको 40% मिलेगा, 20% तो अलग से आपको ओरल टेस्ट में मिल जाएगा, स्कूल वाले देते हैं अगर आपने अच्छे से नोट्स कंप्लीट किया, जो स्कूल से वर्कशीट सब मिले हैं कंप्लीट करिए, आपको 20% फुल मार्क्स मिलेगा। और प्रिपरेशन जैसे इंग्लिश के लिए आप प्रिपरेशन करो तो 40% पैसेज के लिए करिए, यानी कि पैसेज के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करके डेली एक राइटिंग स्किल लिखिए। मैंने एक वीडियो बना के रखा है हाउ टू गेट 95%, आपको ये भी वीडियो जाके देख लीजिए, आपको 95% के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन के लिए बताया इंग्लिश में कैसे लाना है, उस पर एक वीडियो बनाया है उसको देख लें। और ग्रामर 50%, यानी कि ग्रामर को भी प्रैक्टिस करना है। राइटिंग स्किल मैंने आपको बताया कि डेली एक राइटिंग स्किल, चाहे कोई कॉम्पो हो, चाहे वो डायलॉग हो, चाहे कौन सा भी हो उन पर। तो मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट एजुकेशन अपडेट वीडियो मैं लाता हूँ।